नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टीवी और मैं हूँ आपके साथ सद्दाम करीमी। उत्तराखंड के हरिद्वार में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी ने परचम लहराया है, बड़ी जीत उनको हासिल हुई और साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से उन्हें कामयाबी मिली है। लेकिन एक बात को लेकर वहां पर पेच फंस गया है कि किस तरह से जो है मेयर को लेकर बातें हो रही है। दो सीट जीतने के बाद असदुद्दीन ओवैसी वहां पर अपना परचम लहराते हुए दिख रहे हैं। अब लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि उत्तराखंड में जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को ये सीटें मिली है, नगर जो परिषद है और नगर पार्षद के चुनाव को लेकर जो बातें हो रही थी, अब गुजरात विधानसभा में इसके फायदे दिखने वाले हैं। क्योंकि साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि किस तरह से जो दो हिंदू जो प्रत्याशी थे वो जीत का परचम लहराया और उसके बाद ये कहा जा रहा है, लेकिन मेयर को लेके जो बातें फंसी हुई है वो किस तरह से जो है इस पर सब जो है विस्तार से बात करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से हरिद्वार में असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री की गई और उसके बाद नैयर काजमी ने साफ तौर पर कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब का जलवा है वो कहीं ना कहीं वहां के युवाओं में और मुस्लिम समुदाय में खास तौर पर उनका ज्यादा वर्चस्व है और इस बात को लेकर वो कहते हुए नजर आए नैयर काजमी की जहां जहां पर मुस्लिम आबादी है वहां पर हम चुनाव लड़ने का काम किया और उसके बाद हालांकि उन्हें कामयाबी भी मिली और इस बात का जिक्र बार बार वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो फैन फॉलोइंग है लोगों के बीच वो उत्तराखंड में काम आया। हरिद्वार में जिस तरह से इन सब सारी चीजों को लेकर जो बातें हो रही है और जो सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर किस तरह से असदुद्दीन ओवैसी को एक राजनीतिक शतरंज में घोलने का काम किया जा रहा है, वहां पर उन्होंने कई जगह पर रैलियां भी की, उनका फायदा भी दिखा। अब गुजरात की विधानसभा में कितनी कामयाबी मिलेगी, हालांकि अब यह साफ संकेत नजर आते हुए दिख रहा है कि जो चीजें उत्तराखंड के जो नगर जिला पंचायत चुनाव में हुआ है वही सीट जो दो सीटें मिली है और उसके बाद लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वही हाल गुजरात में होने वाला है। गुजरात में जिस तरह से उनका कई जो है निगम पार्षद भी रहा है और उसके बाद इन सब सारी चीजों को लेकर लोग सवाल करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि जिस तरह से बातें हो रही है कि अरविंद केजरीवाल वहां पर चुनाव लड़ रहे हैं, हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी पर एक टैग लगा हुआ है कि वो सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, लेकिन इस बात को असदुद्दीन ओवैसी साहब के पार्टी से कई नेताओं ने इस बात का खंडन करते हुए नजर आए और वो साफ तौर पर यह कहते हुए नजर आए कि ये दलित शोषित वंचित पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग की पार्टी है और हम हमेशा इन सब चीज़ों को लेकर हम सवाल खड़े करते रहते हैं। हालांकि अगर हम उत्तर प्रदेश की विधानसभा का जिक्र करें तो कई ऐसे हिंदू चेहरे को मैदान में उतारा था, हालांकि इस बात को लेकर भी लोग कहते हुए नजर आ रहे थे। जैसे कि अगर साहिबाबाद का हम जिक्र करें तो वहाँ पर मनमोहन झा गामा को वहाँ पर सीट देकर उन्होंने चुनाव भी अखाड़े में खड़ा किया था और उसके बाद बनारस में जो मोदी जी का गढ़ कहा जाता है वहाँ से हरीश मिश्रा को मैदान में उतारे थे, नगीना से ललिता या जो है देवी को मैदान में उतारे थे और उसके बाद कई ऐसे लोग हैं, चाहे पंडित दीक्षित द्विवेदी की बात करें, कंचन सिंह की बात करें तो वो भी पार्टी में है और उसके बाद इस बात को लेकर लोग कहते हुए नजर आ रहे कि जो हिंदुओं को भी जगह मिल रही है लेकिन मुसलमानों को लेकर जो बातें कही जा रही है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। और उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से उत्तराखंड में उनको कामयाबी मिली है और मेयर को लेकर बड़ा सवाल है। अब लोग ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मेयर जो है मुस्लिम बनेंगे और कुछ लोग ये कहते हुए भी नजर आ रहे हैं कि ये जो जीते हुए लोग थे जो मतलब वहां पर जो समुदाय थे वहां पर एक कहीं ना कहीं जो है हिंदू समुदाय का भी काफी समर्थन मिला और उसके बाद मेयर बनने का जो अब सवाल उठ रहा है कि साफ तौर पर वो कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज से जो है मेयर बनेंगे। अब MIM को जिस तरह से कामयाबी हरिद्वार में मिले, मध्य प्रदेश के नगर निगम चुनाव में मिले, गुजरात में जिस तरह से विधानसभा चुनाव होने वाले, क्या ये साफ तौर पर ये संकेत है कि गुजरात में भी अब असदुद्दीन ओवैसी साहब जीतने का चांस बढ़ रहा है? जैसे कि बिहार में भी चार सीटों पर जीत करके पांच सीटों पर जीत दर्ज करके उन्होंने साफ तौर पर जो है बिहार में पांच विधायक उन्होंने अपने मतलब पाले में लाए, लेकिन चार विधायक टूट जाने के बाद वो RJD में चले गए। लेकिन गुजरात का क्या होगा वो भी हम जो है विस्तार से वहां से ग्राउंड रिपोर्ट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उत्तराखंड में जो कामयाबी मिली है और मेयर को लेकर जो बातें हो रही है, आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आपके कमेंट का स्वागत किया जाएगा। और फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, बाकी ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए द इंडिया TV। नमस्कार। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूले।